नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पैरामेडिकल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बॉबीटिक के बारे में। बॉबीटिक होता कैसे है, उसको रन कैसे करना है, बॉबीटिक आपको पास नहीं हो रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ देखने से पहले आप इसको एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों को बॉबीटिक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। तो दोस्तों आज जैसे कि आप लोग CST में काम करते हैं तो आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, बॉबी डिक। ठीक है दोस्तों, तो बॉबी डिक बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहूँगा बॉबी डिक को बनाया किसने है, फादर्स ऑफ बॉबी डिक, किसने बनाया है इस बॉबी डिक को। द टेस्ट वॉज ऑर्गेनाइजेड बाई JH बॉबी एंड JD। दोस्तों शायद ही बहुत ही कम लोगों को पता होगा, JH बॉबी एंड JD ये दोनों भाई थे, इन दोनों ने मिल के ही बनाया है बॉबी डिक को। JH बॉबी और इनके नाम पे ही बॉबी डिक रखा गया है, JH बॉबी एंड JD। ये फादर्स ऑफ बॉबी डिक हैं, इन्होंने ही बॉबी डिक को बनाया है और इनके नाम पे ही बॉबी डिक बना है। व्हाट इज बॉबी डिक टेस्ट, बॉबी डिक टेस्ट है क्या। बॉबी डिक टेस्ट इज डार्ट डायनेमिक एयर रिमूवल टेस्ट इज चेकिंग इफेक्टिवनेस ऑफ प्री वैक्यूम स्टेलाइजर चेकिंग एयर रिमूव एबिलिटी एंड स्टीम पेनिट्रेशन। दोस्तों बॉबी डिक है क्या, बॉबी डिक एक डार्ट डायनेमिक एयर रिमूवल टेस्ट है जो प्री वैक्यूम स्टेलाइजर का इफेक्टिवनेस चेक करता है, ये हमारी मशीन प्रॉपर कितना स्टेलाइजेशन कर रही है। पर ये बॉबी डिक होता किस लिए है, बॉबी डिक से आपको क्या पता लगता है। दोस्तों बॉबी डिक से हमें पता लगता है एयर रिमूव एबिलिटी एंड स्टीम पेनिट्रेशन। अब हमारी मशीन के चैम्बर में एयर है कि नहीं है वो पता लगता है, और एयर रिमूव की जो एबिलिटी होती है वो बॉबी डिक से हमें पता लगती है एंड स्टीम पेनिट्रेशन। दोस्तों स्टीम पेनिट्रेशन क्या होता है। दोस्तों पेनिट्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं भीतरी। आप लोगों ने देखा होगा बॉबी डिक बिल्कुल हाफ ऑफ इंच का होता है, पेपर के अंदर में होता है, तो वहाँ से स्टीम हमारी जा रही है। स्टीम हमारी जाना मतलब पेनिट्रेट होना, स्टीम हमारी पेनिट्रेट हो गई है बॉबी डिक स्ट्रिप तक और वहाँ से एयर रिमूव एबिलिटी मीन्स वहाँ से ड्राई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एयर वहाँ से प्रॉपर ड्राई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछता है बॉबी डिक क्या है तो आप सिंपल सा आंसर है इसका, चेकिंग एयर रिमूव एबिलिटी एंड स्टीम पेनिट्रेशन। बॉबी डिक से हमें पता चलता है कि एयर रिमूव एबिलिटी कितनी है और स्टीम पेनिट्रेशन। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोगों को पेनिट्रेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये आप बॉबी डिक आपके सामने आया है, ये एक पूरा एक पैक है, इस पैक के अंदर एक स्ट्रिप है और हाफ ऑफ इंच का जो पेपर से पेपर के अंदर होता है बॉबी डिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरप्रेजेंटिंग द टेस्ट रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, इंटरप्रेजेंटिंग द टेस्ट रिजल्ट, ये आप देखिए अनप्रोसीड। अगर आपका बॉबी डिक का फोटो ऐसे दिखाई देता है, बॉबी डिक का पिक्चर, आपने कोई बॉबी डिक चलाया अगर इसका इमेज ऐसे आया है, ये अनप्रोसीड, ये प्रोसीड हुआ ही नहीं है। अगर लोड चलाने के बाद इस टाइप का कोई इमेज बना हुआ आता है, फोटो बना हुआ इस टाइप का अगर बॉबी डिक दिखता है आपको तो ये फेल है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने कोई बॉबी डिक का टेस्ट चलाया है, बॉबी डिक का साइकिल चलाया है तो ये इमेज अगर आपके पास आ रही है तो ये पास है।
ये आपको आइडेंटिफाई करना है, और ये बॉबी डिक के ऊपर भी लिखा होता है कलर कोडिंग। कॉमन कॉज ऑफ फेलर ऑफ बॉबी डिक टेस्ट। बॉबी डिक टेस्ट होने के कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं क्यों होता है बॉबी डिक टेस्ट फेल। तो मैं आपको कुछ रीज़न बताऊंगा बॉबी डिक फेल होने का। फर्स्ट रीज़न है कॉज ऑफ फेलियर। कॉज ऑफ फेलियर के कुछ रीज़न है, इसमें देखिए मैं आपको कुछ रीज़न दिखाता हूँ। फर्स्ट है एयर लीक। एयर लीक द ऑटोक्लेव चैम्बर अनेबल टू पेनिट्रेट द लोड। अगर हमारी ऑटोक्लेव मशीन का जो चैम्बर है उसमें से एयर लीक होगा तो वो स्टीम पेनिट्रेट नहीं होगा। अभी पेनिट्रेट के बारे में मैंने बताया था ना, तो स्टीम पेनिट्रेट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा प्रॉपर स्टेलाइजेशन नहीं होगा और बॉबी डिक फेल हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप बॉबी डिक करते हो तो आपका बॉबी डिक फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है अनवांटेड कंसंटेशन। अनवांटेड कंसंटेशन, जैकेट चैम्बर ट्रेपेड कोल्ड वेट स्पॉट इंडिकेट द वेस्ट स्टीम। ठीक है दोस्तों, अनवांटेड जो कंसिडरेशन है इसका मतलब जो हमारे जैकेट और चैम्बर का जो ट्रेप है उसमें कुछ कोल्ड कोल्ड वाटर होता है, उससे स्पॉट्स बन जाते हैं। उस कोल्ड स्पॉट से हमारी क्या होती है, वेट स्टीम होती है, वेट स्टीम निकलती है। जो वेट स्टीम होगी, जो वेट स्टीम अगर होगी तो क्या होगा, उसमें मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर की वजह से हमारे बॉडी पास नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको सबसे पहले इसका चेक द स्टीम ऑटोक्लेव, चेक स्टीम क्वालिटी एंड वेटनेस। इससे इसका सॉल्यूशन है, आपको स्टीम की क्वालिटी और उसकी वेटनेस चेक करना है। नेक्स्ट है फॉल्ट टेस्ट पैक। दोस्तों जो हमारा फॉल्ट टेस्ट पैक है, मतलब जो हमारा बॉबी डिक है उसमें कुछ फॉल्ट भी हो सकता है ना, या तो वो एक्सपायरी डेट का हो सकता है हमारा बॉबी डिक कुछ, ठीक है, तो उसमें कुछ फॉल्ट भी हो सकता है। इनकरेक्ट प्रोसीजर। दोस्तों ये जो फॉल्ट का जो मैंने बताया है ना, इसमें आपका कई रीज़न भी हो सकते हैं। बॉबी डिक का डेट एक्सपायरी हो सकता है, या फिर जहाँ हम बॉबी डिक को स्टोरेज कर रहे हैं उसमें उसका प्रॉपर टेम्परेचर भी हमें देखना पड़ेगा, कितने टेम्परेचर में हमने इसको बॉबी डिक को स्टोरेज किया है। नेक्स्ट है इनकरेक्ट प्रोसीजर। इनकरेक्ट प्रोसीजर में अगर हम बॉबी डिक को किस तरह से चला रहे हैं, सबसे पहले तो हमें बॉबी डिक को एम्प्टी खाली चैम्बर में चलाना है। इसके कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है, खाली चैम्बर में चलाना है और टेस्ट पैक शुड बी प्लेसड ऑन एम्प्टी ओवर द ड्रेन एंड बॉटम रैक। आपको ड्रेन के ऊपर वाले रैक में लगाना है, ओवर द ड्रेन, जो बिल्कुल बॉटम बॉटम वाला जो रैक है उसमें आपको एम्प्टी चैम्बर में, खाली चैम्बर में, ड्रेन के ऊपर वाले चैम्बर में आपको बॉबी डिक रखना है। तो दोस्तों अगर आपको ये बॉबी डिक की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और दूसरे को शेयर भी करें। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।